नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो यहाँ एक बात तो मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा कि जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है और इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि जीवन में आएगी सावन जैसी बहार, जब ये दो ग्रह धन लुटाएंगे आपके ऊपर पूरे जुलाई के महीने में बार बार। और आपके लिए विशेष क्या हो रहा है, दो नहीं चार ग्रह जुलाई के महीने में आपको देंगे अपना आशीर्वाद। नवग्रहों की स्थिति जुलाई के महीने में आपके जीवन में क्या फलीभूत स्थितियों को प्रदर्शित करने जा रही है, यही सूक्ष्म शब्दों में आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और पहला सुख क्या है, निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी सूर्य महाराज 17 जुलाई तक आपके एकादश भाव में रहेंगे, इसे बड़ा अच्छा माना जाएगा। 17 जुलाई तक की स्थिति में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण बहुत अच्छे लाभ देता हुआ पाया जाता है, किंतु 17 जुलाई के पश्चात आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, खान पीन का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई बड़ा विशेष योग नहीं हो रहा है क्योंकि लग्न में मंगल महाराज रहेंगे, ये आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा पावर की स्थिति को प्रदान करेंगे, किंतु फिर भी छोटा मोटा सरदर्द होना, डॉक्टर को कोई चेकअप वगैरह की स्थिति, इस स्थिति के योग देखने को मिल सकते हैं। तो 17 जुलाई के पश्चात स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरा सुख क्या है, धन की माया। आपके धन भाव के स्वामी बुद्ध महाराज अपने ही घर में बने हुए हैं, और कब तक, तो 17 जुलाई तक। मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, देखिए फलादेश का मतलब क्या होता है, सही डायरेक्शन आपको पता पड़ जाए कब क्या कार्य करना है तो बहुत सहज हो जाता है चीजों को बैलेंस करना। कोई भी बड़ा धन से संबंधित बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, लेन देन करना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार का धन से संबंधित कोई बड़ा कार्य यदि आपका बना हुआ है जिस पर आप विचार कर रहे हैं, 17 जुलाई से पहले कीजिए। 17 जुलाई के पश्चात हो सकता है कार्यों में डिले बनकर आए, आपको लगे कि बस अब होने ही वाला है, फिर उसमें रुकावट आ जाए, तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई भी बड़ा फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेना है, कोई कार्य करना है, 17 जुलाई से पहले पहले, 1 से 17 जुलाई के मध्य आपको कर लेना चाहिए, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तीसरी स्थिति की अवस्था क्या संकेत दे रही है, कर्म भाव की अवस्था क्या योग बनाकर बैठी है। आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र महाराज 7 जुलाई तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे, 7 जुलाई तक की स्थिति में हो सकता है चीजें आपके डिले हों, स्थितियां आपके अनुकूलता की अवस्था को ना दर्शा कर दें, किंतु 7 जुलाई के पश्चात शुक्र महाराज जो कि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में आ जाएंगे। बहुत सुंदर गतिविधि का ये योग बनेगा जो कि आपके कर्म क्षेत्र में 7 जुलाई के पश्चात जो पिछले समय में कार्य रुक रहे थे वो जुलाई के महीने में आपके पूर्ण रूप से पक्ष में ला कर दें। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के और भौतिक सुखों के स्वामी मंगल महाराज जो काफी समय से पिछले समय में नीच के होकर बैठे थे, ना भौतिक सुखों को सिंह राशि वाले अर्जित कर पा रहे थे, ना ही अपने कर्म क्षेत्र में भाग्य का साथ देख पा रहे थे, किंतु अब आप देखिएगा यहाँ पर भाग्येश और सुखेश आपके लग्न में आ गया है। एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आना ये अपने आप में एक राजयोग तुल्य अवस्था को दर्शाता है, और अब आपको अनुभूति कराएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में, और पूर्व के कार्यक्रमों में मैंने आपको बताया है कि अब देवगुरु बृहस्पति शुद्ध हो गए हैं। विद्या दृष्टिकोण की स्थिति से ये अवस्था आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था को दर्शा रही है जो कि विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य अपने गोल की तरफ सफलता का एक नया आयाम प्रदान करने जा रही है। बात करें यदि दाम्पत्य जीवन की स्थिति के योग क्या संकेत दे रहे हैं, तो आपके दाम्पत्य स्थान का स्वामी शनि महाराज अपने ही घर को वक्र गति की स्थिति में बनाकर देख रहे हैं और स्वराशिस्त होकर बैठे हैं। दाम्पत्य जीवन में छोटा मोटा मनमुटाव, छोटा सा स्वास्थ्य का प्रभावित योग देखने को मिल सकता है, किंतु मेजर किसी प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं बना रहा है, तो ये स्थिति भी आपको अच्छे ही फल देने वाली है। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी।
प्रेम संबंधों की दृष्टिकोण भी जुलाई के महीने में बेहद सुंदर बनी हुई है। जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए जुलाई का महीना उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता हुआ पाया जाएगा। 17 जुलाई तक दो ग्रह आपको पूर्ण रूप से फल दे रहे हैं, आपके लग्न के स्वामी सूर्य महाराज और बुध देव, और पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति और मंगल महाराज का आशीर्वाद आपके लिए निरंतर बना रहेगा। क्या करना चाहिए ताकि जुलाई के महीने में मिले हमें मनचाहा वरदान? ओम गुरुवे नमः का जाप कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भाग्य और सुखों की स्थिति का लाभ मंगल महाराज बनाकर देंगे। सूर्य महाराज को पूर्ण महीने जल अर्पित करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। निश्चित रूप से जुलाई के महीने में बनेंगे आपके बिगड़े से बिगड़े काम। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।